हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल 10 मिनट्स में बनने वाली सब्जी। मैक्सिमम आपको टाइम 10 से 15 मिनट लगेगा, पर मुझे 10 मिनट लगा है यहाँ। तो मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, किस चीज़ की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो दोस्तों आज मैं लौकी और चने दाल की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक लौकी लिया है, लौकी को अच्छे से छील के साफ़ कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लौकी को छील रही हूँ। इसके छिलके उतार देंगे। जब छिलके उतर जाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। तो चलिए, छिलके उतर के रेडी हो चुका है। अब इसके दोनों साइड के छोटे छोटे करके टुकड़े निकाल देंगे। तो चलिए, आगे का प्रोसेस क्या करते हैं, तब तक के लिए वीडियो पे आप बने रहिए। तो चलिए, क्या करेंगे, इसको दो भाग में कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोस्तों, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, यानी छोटे छोटे पीसेज काट लेंगे इसके। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनेगा। आप इस तरह की सब्ज़ी रेस्टोरेंट ढाबा में खाते होंगे, पर चलिए आज मैं घर पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाएंगे, वही स्वाद, वही सब कुछ। तो चलिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या क्या मसाला डाल रहे हैं, सारा रेसिपी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे प्याज है, तेज पत्ता है, जीरा है, लहसुन है और सूखी लाल मिर्च है, और चना दाल भी हमने पहले से ही भिंगो के रख दिया था। अब यहाँ पे हमने लौकी को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद चलिए एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब इधर देखिए क्या करते हैं, गैस को ऑन कर लेंगे। जब गैस ऑन हो जाए, तो उसके ऊपर हमने कुकर को रख दिया है। कुकर गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तेल भी जब गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम मसाला डालेंगे। तो मसाला क्या क्या डालेंगे, तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने दो तेज पत्ता डाला, फिर थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे, फिर दो सूखी लाल मिर्च डाल लेंगे, फिर लहसुन डालेंगे। अब चलिए, इसे थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद हम प्याज डालेंगे इसमें। चलिए एक बार चला लेते हैं इसे। अब इसमें हमने दोस्तों प्याज भी डाल दिया है। अब प्याज को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, प्याज भी हम यहाँ पे भून रहे हैं। तो चलिए, प्याज भी भून के रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, लौकी को डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे लौकी भी हमने डाल दिया है। अब एक बार इसे चला लेंगे। अब थोड़ा टाइम के लिए इसे ढक देंगे। चलिए, बीच बीच में चलाते हुए, चेक करते हुए रहना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, चना दाल को भी अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब इसमें हम चना दाल को भी डाल देंगे, ताकि अच्छे से ये भी पक जाए। फिर इसमें हम दोस्तों साथ के साथ नमक भी डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम यहाँ पे डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल लेंगे। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे जीरा और काली मिर्च का यूज किया है। थोड़ा सा आप गरम मसाला भी हमने डाल दिया है। अब चलिए, इसे चला के एक बार इसे ढक देंगे। चलिए, बीच बीच में वही काम हमें चेक करते रहना है। ये देखिए दोस्तों, ढकना है, पकाना है, चलाते रहना है 5 मिनट तक। तो यही करना है, ताकि मसाला जो है अच्छे से भून जाए, पक जाए। तो चलिए, अब इसमें हमने यहाँ पे पानी भी डाल दिया है। चलिए, अब गैस को बंद कर लेंगे। अब चलिए, यहाँ पे 3 से 4 सीटी लगने देंगे। अब चलिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या प्रोसेस है। चलिए, ये देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी सब्जी
बन के तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, जिसके साथ इंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं, पराठा हो, पूड़ी हो, जिसके साथ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।